यो गाइस व्हाट्स अप, तो आ गए तुम लोग। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू कॉमन राज वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये बहुत ही भयंकर और बहुत ही नया सा ड्रामा चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, जहां पर टिकटॉकर्स, जी हां टिकटॉकर्स, अपने हक की मांग कर रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं लोगों से। दे वांट इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो। बट तुम लोगों को तो मालूम होगा कि यार इज्जत तो उस चीज की होती है जिसमें इज्जत करने से कुछ होता है। रही बात टिकटॉकर्स की, तो तुम खुद ही सोचो, इन रोंदू बिंदी बेचने वालों की इज्जत कौन करेगा यार। अकेले कर दिए, 1 2 3 4 5 6 तो बिंदी है, मेरी माँ के लिए मैं करता हूँ। आपको एक तो चाहिए, मैं दे दूंगा, ये लो, आप अपनी मम्मी को देना, ले लो ना। तो देना लवड़े, रो क्यों रहा है? और ये 6 बिंदिया है साले, ये 6 बिंदिया है। नहीं पापा। और साले क्यों ले, हम लोग तुझसे बिंदिया और तेरे से बिंदिया लेके मम्मी को दे दे। मेरा नाम मत लेना, मेरे तरफ से ये बिंदी आपको मम्मी को देना अपना। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं लूंगा मैं बिंदिया। तुम भी मत लेना भाई, नहीं लेना इससे कोई बिंदिया, चोर है भैंचो दिए। ये लो। इस तरह और साले को तुझे बिंदिया देनी तो थोड़ा हंसके दे, खुश होकर दे, ये हर वीडियो में रोता क्यों रहता है तू? इतना मनुष्य कोई इंसान कैसे हो सकता है, इतना रोता रहता है यार तू, हर वीडियो में तूने डिप्रेस करके रखा है मतलब सारे लोगों को। यार लड़कियों, तुम लोग हर एक लड़कों के फीलिंग के साथ क्यों खेलती है, क्यों यार? कभी उसे पटाया तो उसे छोड़ दिया, कभी उसको किया तो उसको धोखा दे दिया, उसके पास पैसा है तो उससे किया, फिर उसको धोखा दे दिया, कब तक ये चलेगा यार, कब तक? हाँ लड़के के फीलिंग के साथ मत खेलो प्लीज यार, मत खेलो। बोल रहा ना ये बहन का लड़ा, प्लीज मत खेलो, प्लीज मारेगा तुमको ये। यार क्यों एक दूसरे के साथ फीलिंग के साथ खेलते हो? सबसे बड़ी मोहब्बत तो वो होता है जो फीलिंग के साथ नहीं खेले, वो होता है। भाई सुन, नो वन फील्स यू बट आई फील्स यू। भोसड़ी वाले रोया मत कर, आई फील्स यू। भले तेरी शक्ल देख के तेरे मुंह में लंड डालने का मन करता है, मगर आई एक्चुअली फील यू ब्रो, डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। गाइस राइट इन द कमेंट की भाई प्लीज डोंट क्राई। धिक्कार है हम पर। अब ऐसा ही एक टिकटॉकर, इसका नाम है अमीर छपरी, जिसने बहुत ही भयंकर रोस्ट कर दिया भाई यूट्यूब कम्युनिटी का। इतना भयंकर रोस्ट किया जिसे देखने के बाद तुम्हारी आंखों से पानी निकल जाएगा, तुम एक गरम खंजर लोगे और अपने सीने में डाल दोगे, बिकॉज यू डिजर्व इट। दिस रोस्ट इज वेरी पेनफुल टू वॉच, तो अगर तुम दिल के मरीज हो तो इस रोस्ट को मत देखना, बिकॉज ये रोस्ट बहुत ज्यादा भयंकर है। नहीं मानते? क्यों मानोगे, देखो। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai. तो कैसे हो आप लोग? 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। टिकटॉक कम्युनिटी, हाउ फैसिनेटिंग राइट? सुनते ऐसा लगता है कि कोई बंदा मैं जूते बेचने वाला है। क्यों पापा? बट फिर भी ये बहुत ज्यादा गलत है कि यार हम लोग टिकटॉक के कंटेंट को क्रिंज बोलते हैं। टिकटॉक का कंटेंट इज नॉट क्रिंज, क्योंकि यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। हाँ समझे गाइस, कुछ लोग क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, सारे सारे नहीं बनाते, और हमारे अमीर छपरी तो बिल्कुल ही बनाते। ना ना ना, अमीर छपरी तो दूर रहते हैं। अरे शादी में वो लड़की देख बहुत पसंद है। ये भाई साहब सचिन, आप समझाइए। मेरा बच्चा क्या है मालूम है बेटा, मैं तेरे को एक बात बताता है। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? तो चुतिया समझता है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। सुना आपने कि नहीं? कंटेंट है ये भोसड़ी के, कंटेंट है ये content. और कंटेंट वंटेंट छोड़, वो उम्मीद मेरे को तुम लोगों से वैसे भी नहीं है। बट व्हाट द फक इज रॉन्ग विद योर हेयर ब्रो? ये क्या करके रखा है तूने अपने बालों का? मतलब कोई रिक्वायरमेंट है क्या टिकटॉक के ऊपर कि तुम्हारे बाल ऐसे छपरियों से होने चाहिए तभी जाके तुम टिकटॉक वीडियो बना सकते हो, ना तुम नहीं बना सकते वीडियो टिकटॉक के ऊपर। देखो इन्हें, ये है पैन के लोले, लोले नहीं लोड़े, लोड़े लोले, लोले नहीं लोड़े, लोले गांड मराओ भोसड़ी वालों। देख रहे हो टिकटॉक को क्रिंज बोलने वाले लोगों, दिस इज कंटेंट, दिस कंटेंट इज मोर ओरिजिनल देन योर डीएनए। महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी। तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग। वाओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब तुम लोग बताओगे मैं कॉपी ऑपी के बारे में? टिकटॉक के ऊपर एक लिपसिंग के वीडियो के हमें 50,000 वर्षन मिल जाते हैं, जहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, सेम टू सेम वीडियो छाप के हमें दिखा दी जाती है टिकटॉक के ऊपर।
जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथर्न इंडिया का छपरी वर्षन। इस वीडियो के तुम्हें 500 करोड़ वर्षन मिल जाएंगे टिकटॉक के ऊपर, जहाँ पर सेम स्क्रिप्ट, सेम डायलॉग, सेम टू सेम पूरा का पूरा वीडियो। कहीं पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं करते यार ये लोग, मतलब यूट्यूबर्स थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इंप्रूव करते ना, ये लोग कुछ नहीं करते भाई, सेम टू सेम छाप देते हैं। Excuse me, ma'am, आपका बैग गिरा हुआ है। अरे थैंक यू सर, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ एक्चुअली मैं अंधेरी जा रहा था। अरे मैं भी वही जा रही थी, मैंने कैब बुक किया, हम दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है भैया, कितनी गर्म हो रही है, एसी ऑन करो भैया। मैडम एसी खराब है, पीछे टिश्यू पड़ा है, यूज कर लो। अरे ये लो, ये लो टिश्यू ले लो। अरे मेरे को नहीं चाहिए। अरे लो ना। अरे मेरे को नहीं चाहिए। और भैया ये तो अंधेरी का रास्ता नहीं दिख रहा, तुम कहाँ से जा रहे हो? भैया ये शॉर्टकट रास्ता है। ओ भैया ये रास्ता कोई अंधेरी अंधेरी नहीं जाता, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हम लोगों को? इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं करती हो तुम, इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं करते तुम। और भाई तू कछुए छाप अगरबत्ती, तू बड़ी से एक्टिंग करता है साल, तेरे से गंदी एक्टिंग तो सोनम कपूर भी ना करे। जब तुमने मुझे ये टिश्यू दिया तो खुद क्यों नहीं यूज़ किए? इसमें दवाइयों की स्मेल आ रही है, डॉक्टर के बेटा मुझे इतनी नॉलेज है। जैसे ही मुझे शक हुआ ना, मैंने अपना लाइव लोकेशन अपनी फैमिली और पुलिस को पहले ही भेज दिया था। ऐसा मैं नहीं, तुम दोनों फंस गए बेटा, यहाँ तक का लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। और भाई साहब मुझे कोई ये समझाओ, पहले इस बंदे ने कहा कि ये रास्ता अंधेरी नहीं जाता, ये तो अंधेरी का रास्ता नहीं दिख रहा। बहुत सही, परफेक्ट। मगर लास्ट में ये बंदा कहता कि यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए थैंक्स, यहाँ तक का लिफ्ट देने के लिए थैंक्स, मतलब ये रास्ता अंधेरी जाता कि नहीं जाता है। मेरे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, टिकटॉकर्स का दिमाग क्रिएटिविटी सब अलग लेवल के ऊपर है, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। समवन प्लीज हेल्प मी इन द कमेंट्स मैन, यूट्यूबर्स के पास इतना दिमाग नहीं होता भाई, मुझे सीरियसली कोई समझाओ ये रास्ता अंधेरी जाता कि नहीं जाता। आई रियली वांट टू नो यार। और साले तू छपरी ड्राइवर, गाड़ी तो स्टार्ट कर दी होती भोसड़ी के तूने, मतलब तूने गाड़ी तक नहीं स्टार्ट की और इन हरामखोरों ने पीछे पता नहीं कितनी बकचोदी पेल दी। डॉक्टर का बेटा बैठा है तेरी गाड़ी में, डॉक्टर के बेटा मुझे इतनी नॉलेज है। हाँ बहुत सही, डॉक्टर के बेटे तो होते हैं जो कि खाली सूंघ के बता देते हैं कि कौन सी दवाई है वो। बहुत सही, मतलब डॉक्टर का बेटा है तू कुत्ते का। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी, तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। सीसी क्रेडिट कार्ड एंड कॉपीराइट। देख भाई अमीर, तेरी शक्ल देख के साफ मालूम पड़ता कि तू 10वीं फेल होने के बाद सीधा टिकटॉक के ऊपर आ गया। बट मेरे भाई ये बात समझ, कॉपीराइट की बातें टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल नहीं जमेगी। तुम्हें इस टी सीरीज के बारे में मालूम है? ये टी सीरीज के बारे में मालूम है? अगर टी सीरीज ने गलती से भी टिकटॉक के ऊपर कदम रख दिया, अपने अकाउंट वहां पर बना दिया, तो तुम्हारे पूरा का पूरा लिपसिंग का जो धंधा है ना, एक सेकंड में निकल लौड़े निकल जाएगा पहली फुर्सत में। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। वाओ नाइस, अगर ये छपरियों की सेना, ये छपरियों की सेना अगर यूट्यूब के ऊपर आ गई तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। वाओ वेरी नाइस छपरी, मगर करोगे क्या मुजरा? टिकटॉक के बाद फिर हम लोग को यूट्यूब को भी बोलना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, टिकटॉक की तरह ऐसा ऐसे करने से वीडियो नहीं बनती, यहाँ पर मेहनत लगती है। अगर तुम लोग सच्ची में टिकटॉकर्स यूट्यूब के ऊपर ये आके करने वाले तो प्लीज भाई हम लोग हार मानते, दूर रहो यूट्यूब से, टिकटॉक पे ही रहो, सेफ रहेंगे हम लोग, वरना तुम लोग दबा के हगोगे और फिर से कहोगे अरे भाई कैसे करे आपकी रिस्पेक्ट यार, मौका नहीं देते आप। लड़के बहनचो तुम्हारे टिकटॉक के खुद के सर के ऊपर मांग भर के पता नहीं कौन से सपना पूरा कर रहे हैं यार अपना। ये देखो अगले जन्म में बिटिया की जो टिकटॉक वर्षन, मगर फिर भी हम लोग को टिकटॉक की रिस्पेक्ट करना चाहिए। टिकटॉक बहुत मेहनत वाला काम है, टिकटॉक बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और मैंने ये जितने भी लोग टिकटॉक को क्रिंज बोलते ना, उन लोग को बताने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए बिहाइंड द सीन कैप्चर किया है किसी इंसान का, और वो मैं तुम्हें पेश करना चाहूंगा कि तुम्हें मालूम पड़े कि भाई टिकटॉक का कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है टिकटॉक की वीडियोस को बनाने के लिए। देखो क्या चुतियावा चल रहा है यार, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? इफ काश उस रात को हिला के सो गया होता हैड ए फेस तो वो कुछ ऐसा दिखता। मतलब अपने खुद के बाप से पाउडर के खाली डब्बे को पिचकवा रहे हैं यार ये लोग। कंटेंट फॉर यू गाइस, रिस्पेक्ट इंक्रीज्ड। तू ना जा, चाहिए तो खा जा।
यो टाइम फॉर सम रियल फैक्ट। तो देखो टिकटॉक, टिकटॉक एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है और मैं ये बात तुम्हारे सामने कह रहा हूँ बिकॉज ये बात मैंने बहुत बार कह रखी है और आज फिर तुमसे कह रहा हूँ बिकॉज टिकटॉक एक्चुअली में बहुत सही प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअली में कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि बाबा जैक्सन। उस बंदे ने सिर्फ डांसिंग मूव्स वहां पर अपने दिखाए और डांसिंग मूव्स इतने वायरल हुए कि बड़े बड़े एक्टर्स ने उसे अप्रिशिएट किया। बट जो लोग क्रिंज बनाते हैं उनका रोस्ट होगा भाई। तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट डाल के ये सोचते हो कि तुम्हारा कोई रोस्ट नहीं करेगा, तुमसे बड़ा चूतिया कोई दुनिया में है नहीं भाई। तुम लोग कंटेंट डाल रहे हो पब्लिकली, मेरे कंटेंट के ऊपर भी 10 लोग नीचे कमेंट करके गाला दे सकते हैं मुझे बिकॉज मैं पब्लिकली इस चीज को दिखा रहा हूँ लोगों को। तुम सही कंटेंट बनाओगे लोग तारीफ करेंगे, क्रिंज बनाओगे गाले पड़ेगी भाई, सीधा चीज है वो। यूट्यूब अलग चीज है भाई टिकटॉक से, यूट्यूब पर अलग मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा काम लगता है। टिकटॉक 15 सेकंड में तुम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हो बट भाई यूट्यूबर को एक वीडियो के लिए दिन दिन बैठना पड़ता है जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके और लोगों को कंटेंट दे सके। तो बस मुझे यही बोलना था कि टिकटॉक इज नॉट दैट बैड, बट जो ये लोग टिकटॉक के जो मल्टी स्टार्स बन के बैठे ना, ये कुछ छपरी लोग जो कि चूतिया कंटेंट बनाते हैं और यूट्यूबर्स के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, भाई अगर तुम लोग फिर से उंगली करोगे तो हम लोग तो बहुत गंदी लेंगे भाई। और तुम लोग खुद आओगे लेने के लिए तो हम देते रहेंगे भाई, बिकॉज वो काम तुम खुद कर रहे हो, तुम खुद हमारे पास आके पंगे कर रहे हो, तो भाई तुम्हें तो मिलेगा ही उसका सुकून। और अभी कोई बंदा कमेंट करेगा नीचे कि भाई टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना के तू व्यूज पा रहा है, भाई फक यू। ये बात मान लो टिकटॉक इजी टारगेट है, तुम लोग चुतियाब करते हो, दिमाग से चीजें निकलती है, हम लोग बोलते हैं लोग हंसते हैं, सिंपल फैक्ट है। चुतियाब मत करो, रोस्ट नहीं होगा तुम्हारा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @comedy_raj। मैं बोलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नमस्कार सम पीपल। हाँ साथ साथ ये कोई मिला का वीडियो देख लो और ये गंदी बात का वीडियो देख लो बिकॉज दिस वीडियो इज डोप एज़ फक, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। मैं चलता हूँ, बाय। छोड़ के तू ना जा, चाहिए तो खा जा, छोड़ के तू ना जा।